माँ शारदे का ये बेटा सिंहों के गीत गाएगा। क्यों गाता हूं? कारण है, माँ शारदे का ये बेटा सिंहों के गीत गाएगा। और जो हमने बोला था उसमें कि हमारे इतिहास को सही तरीके से हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें हमारा इतिहास सही तरीके से परोसा नहीं गया है। 4 साल के बच्चे का अजय सिंह का नाम कौन सी किताब में, मैं पूछता हूं, मुझे कोई जवाब तो दो, कहां है उसका नाम नहीं है। तो हम जैसे लोगों को आगे आके बोलना पड़ता है, और तब कहता है कवि की माँ शारदे का ये बेटा सिंहों के गीत गाएगा, जुल्म की इंतहा सोचो कलेजा कांप जाएगा। माँ शारदे का ये बेटा सिंहों के गीत गाएगा, जुल्म की इंतहा सोचो कलेजा कांप जाएगा। 4 बरस के बेटे का दिल मुंह में ठूस दिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, वो अजय सिंह का बेटा, कौन सी किताब है, कौन से हाथ थे जो ये लिख नहीं पाए, किसने तुम्हें रोका था? अरे तुम लोगों ने नहीं लिखा किताबों में तो हम जैसे लोगों को पैदा होना पड़ा धरती पे, कि 4 बरस के बेटे का दिल मुंह में ठूस दिया। कलेजा मुंह में रखने का कलेजा कौन लाएगा, कलेजा मुंह में रखने का कलेजा कौन लाएगा। सारे 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 बलिदानी वीरों पे क्या कहे क्या क्या गुजरी, सारे बलिदानी वीरों पे क्या कहे क्या क्या गुजरी, मौत का दिल भी दहल उठे यातनाएं बे इंतहा गुजरी। पति 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 दिया पूत दिया दे दिए चारों पोते भी, पति दिया पूत दिया दे दिए चारों पोते भी, उस दर्द से कोई ना गुजरा जिस दर्द से गुजरी मां गुजरी। जिन बेटों की, कौन थे वो लोग, हम कहते हैं संता बनता, बिना सोचे समझे बिना दिमाग लगाए बस एक मजाक के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेज। मैं फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, एनआरआई टीवी के माध्यम से जो भी दर्शक इसको यूके में, कैनेडा में, यूरोप में, यूएस में, जहां भी इसका प्रसारण होता है देखेंगे, आप इस कविता के लिंक को, इन पंक्तियों को आगे भेजिए, ताकि हम समाज की उस कुरूति से, उस वैमनस्य से बचे जो सिर्फ सोच की थोड़ी सी कमी के कारण हम कर जाते हैं। हमारे दिलों में आपसे प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन हम शायद समझ नहीं पाते और वो एक गलत एक्शन कर जाते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि सुनो, किसके लिए यार हम मजाक कर देते हैं। जिन बेटों की लाशों पे भारत माँ सही सलामत है, अरे जिन बेटों की लाशों पे भारत माँ सही सलामत है, उन पर हंसने वाले लोगों वाकई तुम पर लानत है। जिनकी कुर्बानी के कारण जिंदा धर्म सनातन है, डूब मरो जो उन्हें समझते मनोरंजन का साधन है, जानो उनके बारे में उन पर हंसने से पहले, बनकर सांप आस्तीन का उनको डसने से पहले, इतिहास सुनोगे बलिदानी तो आ जाओगे सदमों में, मजाक उड़ाते हो जिनका गिर जाओगे उनके कदमों में। जालिम 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 मुगल लुटेरों से लड़ी जो फौजे तगड़े थी, शीश काटने और कटाने वाली बलिदानी पगड़ी थी, संकल्प लिया था दुश्मन की या खुद की अर्थी सजने का, दुश्मन पे हल्ला बोलने का संकेत था 12 बजने का। सत श्री अकाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल सुन हिलते थे सिंहासन जेहादी नारों के, कहते थे दुश्मन बच के रहना 12 बज गए सरदारों के। और 12 बजे का खौफ था इतना कि सांसें ढीली होती थी, खानों और सुल्तानों की पतलूने गीली होती थी, अगली बार जब खिल्ली उड़ाओ तुम किसी सरदार की, यादें जिंदा कर लेना सर हिंद की दीवार की। 5 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको धर्म सनातन में जीने का सम्मान दिया, वजीर खान ने धोखे से कैद किया मासूमों को, लादना चाहा उनके ऊपर शरिया के कानूनों को, जालिम बोला बच्चों से तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा अगर कबूल करो इस्लाम को, बोले बच्चे, बच्चों का हौसला देखिए साहब, अरे बोले बच्चे धर्म बदल कर जीना मरने से बदतर है। शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। जारी हुआ क्या हुआ उसके बाद,
जारी हुआ फरमान के इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो, मौत का खौफ दिखा के इनको दिन में तारे गिनवा दो। लेकिन उन बच्चों की रगों में जाने कैसा खून था, छोटी सी उम्र में धर्म की खातिर मरने का जुनून था। ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए, धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी, अब भूल जाइए कि शुभम मंगल आपकी टीवी की स्क्रीन पे है। आंख बंद करके तसव्वुर कीजिए, कल्पना कीजिए, यहाँ पे बाबा फतेह सिंह जी आपके दाहिनी तरफ, मेरे बाईं तरफ, और यहाँ पे बाबा जोरावर सिंह जी, वो दो छोटे बच्चे, दोनों साहबजादे खड़े हुए हैं और दीवार बननी शुरू हो रही है। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो, डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो। अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे। बाबा जोरावर सिंह जी क्या बोले होंगे, कल्पना है, कभी आशीर्वाद दीजिएगा। अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूजे से लिपट गए, धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। गुरु तेग बहादुर के पोतों ने कर्म को अपने बदला नहीं, हंसते हंसते कुर्बा हो गए पर धर्म को अपने बदला नहीं। जिस दीवार में उन बच्चों का ननहा जिस्म जड़ा था। संगत जी जो मेरे को सुनेंगे भरपूर आशीर्वाद देना कि जिस दीवार में उन बच्चों का ननहा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। कर्ज है उनकी कुर्बानी का, अपने रोम रोम पर डूब मरो जो हंसते हैं ऐसी बलिदानी कौम पर। याद रखो ये कौम नहीं है संता बंता के जोक की, ये है 125,000 से एक लड़ाने वाली माओ की कोख की।